फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का लच्छा पराठा। तो पहले मैंने इस सरफेस पे घी लगा दिया है, अजवाइन मैंने डाली हुई है। अजवाइन डालनी मस्ट है क्योंकि इससे पराठा अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमने इस लेयर पे फिर से घी लगाना है। अब एक और फोल्ड करना है और इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेना है। अब इस लेयर पे भी हमने घी लगाना है। अब हम इसके तीन टुकड़े करेंगे। इन तीनों टुकड़ों को हमने सेपरेट कर लेना है और सिर्फ रोल करना है। ये देखिए, आपका एक तो बहुत बढ़िया, जितने बढ़िया फ्लावर की शेप आएगी, जितने बढ़िया लच्छे बनेंगे, उतना ही बढ़िया आपका लच्छा पराठा बनेगा। ये देखिए, ये अपने आप लच्छे बनते जा रहे हैं और साथ में फुलार भी बनता जा रहा है। तो ये है हमारा लच्छा परांठा। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। देख रहे हैं लच्छे कितने अंदर जा चुके हैं, और सूखा आटा लगा के हम इसे बेल लेंगे। हम इसे तवे पे डाल देंगे और जैसे नॉर्मल परांठे को सेकते हैं वैसे ही हमने इसको सेकना है। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लच्छे आ रहे हैं इस पे। अब हमने इस पे घी लगा देना। दूसरी साइड पे भी हम घी लगा देंगे। दोनों साइड्स पे बढ़िया लच्छे आ रहे हैं हमारे। मैं दूसरी साइड भी दिखाती हूँ फ्लिप करके, कितने बढ़िया लच्छे आ रहे हैं। और ये गेहूं का आटा है, ना कि मैदा। मैं अपने चैनल पे कोई भी मैदे की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। गेहूं के आटे का लच्छा परांठा देखिए कितना बढ़िया सीख रहा है। इसमें आपने सिर्फ फोल्ड करने हैं बढ़िया से, जैसे मैंने बताए हैं, और आपका बढ़िया सा लच्छा परांठा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, खाएंगे बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे और भी बहुत तरह के 30 तरह के लच्छा परांठा मैंने बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लच्छा परांठा बन गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।